हम लोग सदैव जन सेवा के पद से जब रहे हैं मांगना पड़ेगा। सरोज सिंह तोमर जी हमारे अध्यक्ष जो सेनापति के रूप में पूर्ण कार्यकर्ता और एक एक व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करते हैं, अभय चौधरी जी इस देश के भारत रत्न ग्वालियर के प्रथम परिवार देश के पूर्व प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय दर्शकों आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार के पूर्व मंत्री अनुज मिश्रा जी हमारे क्षेत्र के पूर्व मंत्री ग्वालियर के पूर्व विधायक मिश्रा जी जिनके समाज में पूरे ग्वालियर क्षेत्र के चुनाव प्रबंधन है, वेद प्रकाश शर्मा जी हमारी पूर्व महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी हमारी महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा जी हमारे अपने पूर्व जीडीए के अध्यक्ष और जिन्होंने सदैव कार्यकर्ताओं को पद दिया है गैस कुशवा साहेब सभापति मनोज तोमर जी पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल जी पूर्व जिला अध्यक्ष कमल माटी जानी शर्मा जी राजू सैनिक जी हमारे जैन साहेब विनय जैन साहेब आशीष राठौर जी विवेक जोशी जी राजू पलेकर जी मैं राजू को देखता हूँ तो पूरा जिंदगी की याद आ जाती है विनोद शर्मा जी हमारे महामंत्री जी नयन श्रीवास्तव जी अमित बंसल जी चेतन मंडलोई जी विनय शर्मा जी पंचासीन समस्त महानुभाव और मेरे लिए वाकई में मेरे भाई और बहनों मेरी आन बान पहचान केवल नहीं आप मेरी प्रेरणा है, आप मेरी जीवन की मकसद है, मेरे समस्त ग्वालियर की जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है और मीडिया के मेरे सभी भाई बंधुगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित ये संदेश आज इस मंच से जाना चाहिए, आज इस मन से संदेश जाना चाहिए पालन जी जिन्होंने संसद को बनाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने देश के कई इमारत बनाए हैं वो ही 100 साल पूर्व माधव महाराज ने शाहपुर जी पालन जी को लाकर ग्वालियर के वार्ड वार्ड और गली गली में पानी का पाइपलाइन बिछाया
जिस ग्वालियर में कल्पना की जाती थी सत्ता का विकेंद्रीकरण की, मानव राज के समय में पंचायती राज की संस्था, मानव राज के समय में चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना, मानव राज के समय में बार एसोसिएशन में चुनाव की संस्था, प्रजातंत्र के पहले उस जमाने में ग्वालियर स्टेट में प्रजातंत्र स्थापित करने वाले दूरदर्शी इस ग्वालियर नगरी के स्थापक माधव महाराज ने करा। उस जमाने में आप कल्पना कर सकते हो, और मनचासी मेरे महानुभावों से भी नफा के साथ जीना मुश्किल, नफा के बिना जीना मुश्किल। ये चीज जब से आ गया हम भी इसी में कह दो गए। जब नफा नहीं होता था तो व्यक्ति व्यक्ति में हाथ पकड़ता था, अब तो हम नफे को ही पकड़ते। उस जमाने में कोई कल्पना कर सकता है कि जो हवाई जहाज पानी में उतरती थी और जो हवाई जहाज लंदन से सिंगापुर जाती थी, उस जमाने में वो लंदन से सिंगापुर जाने वाली पानी में हवाई जहाज बैठने वाली वो मुंबई और दिल्ली में नहीं लेकिन ग्वालियर के टेकनपुर में उतरती थी। मेरे भाई और बहनों, एयर इंडिया जो बेड़े में भाग का भाग है, वो एयर इंडिया जब जमशेदजी टाटा जी ने शुरू किया था आजादी के पहले 1942 में, ये इतिहास समझाना जरूर आसान होगा। इतना जोर से चलाओगे तो मुझे भी मन से ज्यादा जोर से चलाना, और अभी तो मुझे 60 दिन चलना है भैया। कांग्रेस की भी सुन ले, अभी 60 दिन और चलूंगा मैं। कलकत्ता को जोड़ता था क्योंकि उस जमाने में मुंबई से ज्यादा कलकत्ता व्यापार का केंद्र होता था भारत में, और जब दिल्ली मुंबई कलकत्ता चलता था, बेंगलुरु से जो हैदराबाद से जो एयर इंडिया की ट्रेन आती थी इंदौर रुकती थी और ग्वालियर, ये ग्वालियर की प्राथमिकता थी, ये ग्वालियर की क्षमता थी। जिस बाड़े में आप बैठे हो भैया, इस बाड़े की सुंदरता देखो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ये विक्टोरिया मार्केट, ये गोरखी का मॉल, ये जीपीओ पोस्ट ऑफिस, वो केबी बैंक, वो टाउन हॉल, वो गवर्नमेंट प्रेस, ये बाड़ा आपको देश में क्या दुनिया में कहीं नहीं है। की ट्रेन चलती थी, ग्वालियर से श्योपुर की ट्रेन चलती थी, ग्वालियर से भिंड की ट्रेन चलती थी, और उस जमाने में मेटल के सड़क थे। वो ग्वालियर का जमाना था। ये आप लोग में से कई लोग नहीं जानते हो, लेकिन माधव महाराज ने बस की कंपनी शुरुआत की थी, स्टेट की कंपनी, और वो बस की कंपनी आज क्या है आपको मालूम है? आपको आश्चर्य होगा, जो दिल्ली में डीटीसी बस चलती है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो वही कंपनी है जो माधव महाराज ने शुरुआत की थी। बोले ये दूरदर्शी साहब थी, और आज मेरा संकल्प है,
जब तक इस शरीर में जान है, मेरे और आपके ग्वालियर को उसी शिखर पर पहुंचाने का संकल्प नहीं है। भैया 15 महीनों की सरकार, अभय जी, अरुण जी, विवेक जी, नारायण सिंह जी, जय सिंह जी, कमल जी, जितेन जी, वीर प्रकाश शर्मा जी, मुकेश जी, मनोज जी, इधर से हम उधर से हमारी दिल में लगन कि सरकार आई है कुछ करके दिखाई, पर वो 15 महीनों की सरकार ने ग्वालियर के लिए विकास की एक चवन्नी नहीं दी। ग्वालियर के विकास के लिए एक योजना नहीं बनाई। 100 बार मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कहा ग्वालियर आइए, वल्लभ भवन में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का कारखाना खोल दिया था मध्य प्रदेश में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 महीनों की सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी का शायद मैं गलत हूं, 85 लोग मुझे ठीक करें, शायद कोई मंत्री बचा हो जो ग्वालियर का आया हो सौगात देने के लिए, शायद कोई केंद्र सरकार का मंत्री बचा हो जो ग्वालियर का आया हो सौगात देने के लिए, प्रदेश का मंत्री बन बचा हो। हमारे मुख्यमंत्री ने तो दिल खोल के नहीं, मध्य प्रदेश की तिजोरी खोल दी ग्वालियर को संभाल। जब मेरे मुखिया प्रधानमंत्री जी ग्वालियर आए थे 3 दिन पूर्व, तो ग्वालियर आए 19,000 करोड़ रुपए की विकास योजना देखी। कभी कल्पना हम कर सकते थे 15 महीनों की उनकी सरकार, और आज जब हम आप यहां खड़े हैं, केवलकर साहब ने सही कहा, ये वो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कई सरकारों ने कोविड को चुनौती माना, कई विश्व की सरकारें दब गई, कई विश्व की सरकारें भस्म हो गई, पर भारत की केंद्र मोदी जी की सरकार ने कोरोना को चुनौती नहीं माना, कोरोना का अवसर माना, भारत को विश्व शिखर पर उठाने। अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती, आपका हमारा जीवन क्या होता कोरोना में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो कोरोना के पहले तो इंदौर पहुंच गई थी एफा अवार्ड के लिए, अभी नेता इधर अभी नेत्री इधर। जिज्ञासा दिखाने के लिए, लोगों की आशा अभिलाषा पर खड़े उतरने की क्षमता दिखाने के लिए, पिछले 3 वर्षों में आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस दल का मैं कार्य करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की क्षमता और स्वच्छ विचारधारा है, इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के वृद्धि से उठाकर बेमिसाल राज्य बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने लपेट रखा है, निकलेगा नहीं। और आज जब मैं यहां खड़ा हूं आपके साथ,
ट्रिपल आईटीएम से रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि, वीरांगना जी की समाधि तक था। उस वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की समाधि से गिरवाई पुलिस चौकी आज ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का कार्यक्रम 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, स्वर्ण रेखा नाला, नाले में खंभे डाल दिए हमने, जो संभव नहीं था। आज तो सड़क मांग रहे थे, हमने नाले में खंभे डाल के सड़क खड़ा कर दिया आपके लिए। आपने हमसे नहीं मांगा, आपने हमसे कल्पना नहीं की, हमने कमलनाथ जी की तरह झूठे आश्वासन नहीं दिए। लेकिन पहला चरण का शिलान्यास रतन सिंह जी के यहाँ, ये देखो ये हवा में चलना है, आपकी गाड़ी हवा में चलेगी, जरा घूम के देखे, देखो वहां से एंट्री करोगे, यहां से एग्जिट करोगे, ये उतरने का रास्ता, वो चढ़ने का रास्ता, 9 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, 10 उतरने के रास्ते, 9 चढ़ने के रास्ते, 5 किलोमीटर के उतरने और चढ़ने के रास्ते, 926 करोड़ की योजना का शिलान्यास होने जा रहा है। मेरा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, नया ग्वालियर। 926 करोड़ की एलिवेटेड रोड, और ये संभव नहीं हो पाता मेरे भाई और बहनों में, ये संभव नहीं हो पाता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये संभव नहीं हो पाता, ये संभव नहीं हो पाता अगर शिवराज सिंह चौहान न होते, ये संभव नहीं हो पाता अगर नितिन गडकरी जी नहीं होते। नितिन गडकरी जी ने मेरे लिए को संभव करा दिया मेरे भाइयों, ये संभव नहीं हो पाता अगर मेरे देश के पंतप्रधान मोदी जी न होते मेरे भाइयों। ये नक्शा ग्वालियर का मोदी जी का देन है, ये नक्शा ग्वालियर का शिवराज सिंह चौहान का देन है, ये नक्शा ग्वालियर का भारतीय जनता पार्टी का देन है। चौहान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।
380 करोड़ रुपए की चंबल से पानी की योजना, 90 मिलियन लीटर चंबल नदी से 14 पुल तक और कोटवा डैम से 60 मिलियन लीटर 150 मिलियन लीटर की 380 करोड़ की पानी की योजना का शिलान्यास करो। टोटी में कहां से पहुंचेगा? प्रॉब्लम चंबल से पानी तो आ जाएगा पर हमारे घर की टोटी की पाइप नहीं है सुनीता जी। तो याद रखना, मैं माधव महाराज का वंशज हूँ, मैं राजमाता विजय राजे सिंधिया का पोता हूँ, मैं महाराजा माधव सिंधिया का लड़का हूँ। योजना लाऊंगा तो आपके घर के नल की तरह जलाने वाला ये योजना है। और आज इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं कि वार्ड सुन लीजिए, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 सभापति महोदय, वार्ड नंबर 1 नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की योजना 1 से 7 के लिए 390 करोड़ रुपए का डीपीआर बन रहा है जो आपके द्वारा मंजूर की जाएगी। अब तालियां थोड़ी और बजी पर थोड़ी रह गई। पानी की पाइपलाइन भी नहीं है और 6 वार्डों के लिए 600 करोड़ रुपए की डीपीआर के लिए मंजूरी दी जाएगी। तो 600 करोड़ 6 वार्ड के लिए, 400 करोड़ 7 वार्ड के लिए और 380 करोड़ चंबल से पानी लाने के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजना की चीजें दी जा रही है। और इसी के साथ साथ मेरे भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को। माधव महाराज ने सिंचाई के काम में पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र नहीं, पूरे ग्वालियर स्टेट मंदसौर नीमच रतलाम शाजापुर देवास धार तक पानी के बांध बनाए, वही अमृतकाल काल हमें दे रहे हैं। पर अगर एक कदम किसी ने उठाया है तो शिवराज सिंह जी ने उठाया है। कांग्रेस ने 65 वर्षों में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की थी, 18 साल में शिवराज सिंह जी ने 47 लाख तक पहुंचा दिया है। मैंने तालियां हो ग्वालियर को चंबल को नया चाहूंगा। आज इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर माधवराव सिंधिया बहुउद्देश्य वृद्ध सिंचाई योजना का भूमि पूजन करने का निर्णय लिया है। कितने करोड़ होगा? 100?
अगर मैं पास में आ रहा हूं तो ताली बजाना शुरू कर देना। 100, 200, 500, 1000 One day.